नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आइए नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों पर। भारत चीन सीमा पर लद्दाख के पास चीनी सेना द्वारा बीते दिनों भारतीय सैनिकों पर की गई कायराना हमले की निंदा करते हुए युवा विद्यार्थी शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने जिला प्रशासन को एक मांग पत्र सौंपते हुए चीनी सामानों पर प्रतिबंध लगाने की मांग उठाई है। साथ ही शहर में चीनी कंपनी ओप्पो वीवो के लगे बैनर पोस्टर को तत्काल हटाने की मांग भी प्रशासन के समक्ष रखी है। इस मामले में कलेक्ट्रेट में ज्ञापन के माध्यम से अपनी फरियाद लेकर पहुंचे युवा विद्यार्थी शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने चीन के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर प्रशासन को स्पष्ट चेतावनी देते हुए शहर से चीनी सामानों को बाहर नहीं किए जाने पर उग्र प्रदर्शन करते हुए स्वयं ही मामले में जहां भी ओप्पो वीवो कंपनी के बैनर पोस्टर दिखाई देंगे उन्हें हटाने अपने स्तर पर कार्यवाही की बात भी कही। इस अवसर पर प्रशासन के समक्ष अपनी मांग लेकर पहुंचे संगठन के कार्यकर्ताओं ने सिटी मजिस्ट्रेट को अपनी मांग के संबंध में एक ज्ञापन भी सौंपा, जहां सभी में चीन सेना की इस कायराना हरकत पर खासा आक्रोश भी दिखाई दिया। संगठन में मौजूद हालातों में देश भर में घटनाक्रम के बाद लोगों के अंदर पनप रहे आक्रोश को शांत करने, चीनी सेना को सबक सिखाने, सख्त कार्यवाही की मांग की है। उसके साथ ही भारतीय बाजार में व्यापारिक गतिविधियों के तहत जारी कारोबार पर रोक लगाने की मांग भी उठाई। साथ ही आम रहवासियों, शहरवासियों से भी चीनी सामान का बहिष्कार करने की अपील की। इस अवसर पर बड़ी संख्या में संगठन के कार्यकर्ता ज्ञापन सौंपने पहुंचे। कुछ दिन पहले भारत और चीन की लद्दाख बॉर्डर पे जो झड़प हुई थी और उसमें हमारे देश के 20 जवानों ने शहादत दी थी, उसको लेकर उसके खिलाफ आज हमने चीन का विरोध दर्ज कराया है और प्रशासन को ज्ञापन दिया है कि चीन के जो प्रोडक्ट हैं ओप्पो वीवो और जो भी सामग्री है शहर से तत्काल हटाई जाए और तब तत्काल हटाई जाए। अगर एक सप्ताह के अंदर यह सामग्री नहीं हटाई जाती, ओप्पो वीवो के बोर्ड नहीं हटाए जाते हैं, तो शिवसेना स्वयं सड़कों पर उतरेगी और स्वयं हटाएगी। अगर इस बीच कोई घटना घटती है, तोड़फोड़ होती है, तो उसके जवाबदार स्वयं दुकान मालिक होंगे और जिला प्रशासन। खबर समय जगत के लिए सागर से ब्यूरो चीफ शुभम जैन की रिपोर्ट। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।